ये यहाँ की कलेक्टर अपने आप को क्या समझती है पता नहीं है, मेरे को लग रहा दक्षिण भारत की है, इसको जानकारी है नहीं। झुंझुनू कलेक्टर जाता है ना उसको भी सोचना पड़ता है कि मैं झुंझुनू कलेक्टर लगूं या नहीं लगूं, एसपी लगूं नहीं लगूं, वहां पर जाना है उससे पहले उनको सोचना पड़ता है। ये अधिकारी बहुत करे यहाँ पर, इस सरकार की समझ में कौन आ रही। अब बीजेपी वाला सुने कि मध्य अवधि चुनाव ही मैं पीपी बजा देगा। इनको हम धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, लोग पूजा भी करते हैं लेकिन उपजाऊ है, कम पानी से खेजरी होती है, लगाने से ये 20 साल तक खेजरी बड़ी नहीं होगी, ये प्रकृति। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झल को बीकानेर पर। फिलहाल इटम यहाँ पर बीकानेरी कलेक्टर ऑफिस है जज सामने आज अठाने रुमैन जो को मकसद है वो वास्ते है यहाँ, क्योंकि आज अठे कलेक्टर के सामने पर्यावरण ने बचाने वास्ते धरनों लगाए गए। केजड़ी बचाओ अभियान महाअभियान रे मायने अधिक से अधिक संख्या रे मायने पहुँचो और राज्य सरकार ने होश में हो कि खेजड़ी बचार सोलर लगाना के कुछ यारी मांगा है अठे जी का ऐडा लोग है, पर हम बातचीत करांगे आप लगातार वीडियो से आगे जुड़िया रहे। आज वो धरनों क्या वास्ते है? सबसे पहले तो आपका आभार और धन्यवाद जल को बीकानेर का। ये धरना तो वैसे तो लंबे समय से चल रहा है, जिला स्तर पर कल लगाया है हमारा 1.5 माह से पर्यावरण प्रेमियों द्वारा जयमल सरगिरोई में धरना चल रहा है। 18 आज 19वां दिन है, छत्तरगढ़ भी धरना जारी है। छत्तरगढ़ धरने को लेकर के वहाँ से कल 500 आदमियों की वाहन रैली से यहाँ पहुँच करके कल प्रदर्शन किया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ये अनिश्चितकालीन धरना कल से ही शुरू किया। कल हमारी आधी पूर्ण घंटा वार्ता भी हुई, कलेक्टर साहब से बैठ करके बात हुई तो कहा ये खेजरी तो कटेगी, प्रतिबंधित नहीं है, जहाँ सोलर लगेगा वहाँ खेजरी कटेगी। तो हमने कहा राज्य वर्ष खेजरी को हम कटने नहीं देंगे, ये राज्य सरकार की राजकीय संपत्ति है। इनको हम धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, लोग पूजा भी करते हैं लेकिन उपजाऊ है, कम पानी से खेजरी होती है, लगाने से ये 20 साल तक खेजरी बड़ी नहीं होगी, ये प्रकृति के रूप में ही होती है। ये खेजड़ी एक खेजड़ी 505 साल पुराना खेजड़ों को काटा है सरकार ने, 500 साल पुरानी खेजड़ी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और नए पेड़ लगा रहे हैं जो कि 300 साल बाद ये पेड़ अपने को काम देंगे। ये 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में माँ अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था, गर्दने कटा दी थी, वहाँ खून की नदियां बह गई थी राजा महाराजाओं के टाइम में, जिनको लगभग 300 वर्ष हो गए। आज कलेक्टर साहब का बयान और हमें जो कानूनी कार्रवाई लग रही है, हमें यही लग रहा है कि वो शहादत दोबारा देनी पड़ेगी तब ये कार्य रुकेगा, वरना मुझे लगता नहीं ये खेजरी बचेगी या प्रकृति ये पर्यावरण वन्य जीव बचेगा। इनको ट्री एक्ट बनाया जावे, राजस्थान का अलग से इसका कानून बना करके बचाया जावे कि ये खेजरी कटने के बाद दोबारा लागू नहीं होगी, लग ही नहीं सकती, बड़ी होने में तो बहुत कठिन है। 1955 टेनेंस एक्ट बना था, वहाँ का 100 रुपया जुर्माना है, उस टाइम सोने का भाव 70 रुपये था, आज का सोने का भाव और वो 100 रुपये देख लो, उन सोने के भाव या महंगाई के आधार पर अगर आज देखा जाए तो लाखों रुपए जुर्माना बनता है। लेकिन खेजड़ी कटे या बाद रहे मायने और अजी का बढ़ता सोलर है, अरे नुकसान के कुछ है बैगना? अगर सोलर से अधिक सोलर लगाए गए एक तो गर्मी होगी, भयंकर रूप से गर्मी होगी जहाँ सोलर लगे हुए हैं। अगर आप देख लिए, अगर हमारे घरों के अंदर एसी है, अगर वो एसी अगर हमारे दो घरों में लगे हैं तो उस गली की हालत देख लिए, वहाँ भयंकर गर्मी है। इतना बड़ा सोलर जो बिजली उत्पादन करता है, जो बिजली उत्पादन करता है, इससे भयंकर गर्मी होगी, बरसात नहीं होगी और आसपास एरिया में भयंकर बीमारियां होगी गर्मी की वजह से, तो आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके सोलर के आस पास निकली आग की लपटें निकलती है, आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ राज बीकानेर के जिले के अंदर जो सोलर कंपनी आ रही है, प्रशासन को रोका जाना चाहिए। जमीन हर स्टेट के अंदर है लेकिन बीकानेर में क्यों चुना गया कि यहाँ सस्ती दर पर उनको जमीनें मिल जाती है और उस सस्ती दर जमीन का फायदा उठाकर सोलर लगा रहे हैं, उससे बीकानेर के संभाग के अंदर में भयंकर बीमारियां होगी, बरसात नहीं होगी, बरसात में उत्पादन नहीं होगा, खेजड़ियाँ कट जाएगी। खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो पशुओं को भी चारा देती है, मनुष्यों के लिए भी, मनुष्यों को भी अपने सब्जी देती है, सांगरी देती है और देती है सारा। और खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे जमीन उपजाऊ रहती है। बढ़ता जी का सोलर प्लांट है, बढ़ रहा है जगह जगह पर, और पीछे छत्तरगढ़ रे मायने भी एक मामलो आयो जो बहुत सारी खेजड़ी आई, बहुत पुरानी पुरानी खेजड़ी आई जी की निकाटी, और बीके बाद में जी की खेजड़ला रोई ही जयमल सर जो अपनी जलको टीम ही भाभी जा रही,
बहुत सारी खेज रहे हैं काटी की और बटे खेजड़ला रोई इर वास्ते भी नाम निकल रहे क्योंकि बटे सब ज्यादा खेजड़ी है तो बटे जी को धरनो चाल लो भी धरने रो कोई निस्तार निकलो बटे कोई प्रशासन पहुंचो कोई बातचीत हुई किसी धरने को कोई नहीं नहीं बोले सार क्योंकि धरनो वो भी डेढ़ महीने से धरना चल रहा है 18 दिन से छत्तरगढ़ चल रहा है आज यहीं लगाना पड़ रहा है। अगर कोई वार्ता होती सही बात होती या सरकार से मानती तो धरना यहाँ बीकानेर जिला स्तर पर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको बीकानेर इसलिए चुना इन्होंने कि बीकानेर का जो आदमी है वो बिल्कुल सीधा आदमी है, साधारण आदमी है, आराम से जीने वाला आदमी है, गाय की तरह सीधा आदमी है बीकानेर का आदमी, इसलिए इन्होंने बीकानेर चुना। अगर सोलर कंपनी में हिम्मत है तो झूंदरू सिक्कर लगा के दिखाओ, एक बीघा जमीन लेके देता हो। यहाँ के आदमी सीधे आदमी है, गाय जैसे आदमी है, तब इन्होंने अत्याचार चालू किया तो सीधा होता उस पर अत्याचार चालू कर दिया इन्होंने। अगर इनके हिम्मत है सोलर कंपनी की 10 लाख रुपए बीघे भी अगर एक बीघा जमीन मिल जाए वहां पर तो बता दो मेरे को, झूंदरू सिक्कर में जमीन लेके बताओ। वहां के आदमी जागरूक है, वो कंपनी नहीं पूरी सरकार को ला दे, एक बार जाके देखो। झूंदरू कलेक्टर जाता है ना उसको भी सोचना पड़ता है कि मैं झूंदरू कलेक्टर लगू या नहीं लगू, एसपी लगू नहीं लगू, वहां पर जाना है उससे पहले उनको सोचना पड़ता है। ये अधिकारी मौज कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये ऐसा धरना झूंदरू होने तो कलेक्टर को 5 मिनट नहीं बैठने दें, मजाक थोड़ी है। लेकिन हम तो चुपचाप बैठे हैं, यहाँ के सीधे आदमी है, हमारे खून में ऐसी बात है, समस्या तो ये है ना, हम हमारा खून खोलेगा तो फिर रुकेगा भी नहीं। अगला कदम बता दिया ने, अमरता देवी वाले काम होगा, खेजड़ी नहीं करने देंगे, खेजड़ी के चिपकेंगे हमें चाहे खत्म कर दो, हम खेजड़ी को नहीं छोड़ेंगे, खेजड़ी कटने नहीं दें किसी भी सूरत में। सबसे पहले मैं तैयार हूँ खेजड़ी के लिए, अगर जान देनी पड़े गाय के लिए जान देनी पड़े तो मैं सबसे पहले जान देने तैयार हूँ। प्रशासन का कोई रवैया चेंज नहीं है, जब सरकार का रवैया चेंज होगा कानून बदलेंगे तब ही ये खेजड़ी राज्य बच पाएगी, वरना खेजड़ी बचाना मुश्किल है। मेरे पास सिक्कर के महेश जी जाकर बैठे, इनसे पूछ लो, ये बता देंगे आपको पूरी बात सिक्कर की। मेरा नाम महेश कुमार जाखड़ है, सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील से मैं आया हूँ, किसान राजनीति करता हूँ, अनाज के बगैर रह सकते हैं, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, हवा के बगैर एक मिनट जीवित नहीं रह सकते। पश्चिमी रेगिस्तान में एक कवाओ थी, 3 साल से काल पड़ते हैं, जिस किसान के खेत में 100 खेजड़ी 10 बाकरी 1 गाय बठे के काल के खाए, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में हर 3 साल काल पड़ता था तो एक कवाद चलती थी। ये यहाँ की कलेक्टर अपने आप को क्या समझती है पता नहीं है, मेरे को लग रहा दक्षिण भारत की है, इसको जानकारी है नहीं। कहीं भी कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकार कलेक्टर मंत्री संतरी जो भी जलको राजस्थान के द्वारा राजस्थान के किसान मजदूरों की किसानों की कोई बात सुनने वाला है उसको मेरा सुझाव है, ये खेत जो सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं, इंदिरा गांधी नहर बहुत लंबी चौड़ी है, खूब चौड़ाई है, उसके ऊपर लगाओ, उसके तो छाए हो जाएगी, ऊपर बिजली बन जाएगी, नीचे आप बोट चलाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण बचना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए, एक बार वो सुझाव फिर से सुनना चाहूँ और विस्तार में बताओ। ये सरकार यहाँ के हमारे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाती है, हमारा धरना 18 जुलाई से पर्यावरणविद हूँ, हमारे उस धरने का नेतृत्व रामगोपाल बिश्नोई कर रहे हैं, वो मेरे पुराने साथी हैं, 3 दिन से मैं वहीं था, 29 आज होगी 2 तारीख 1 तारीख को रात को इस कंपनी के सोचे समझे आदमी आए और वो आदमी थे 10-12 और हम मात्र 2 ही व्यक्ति थे, मैं और रामगोपाल, तो रामगोपाल ने तो 2 सिंगी जेड़ी ली, मेरे हाथ में लठ था, तो हमने बड़ा चाणक्य नीति से काम किया, मैंने कहा ओ रामगोपाल जेड़ी मत रो अपना इनके, देखो इंसान में सब में मानवता है, वो सब भाई यूपी के थे, तो मैंने कहा जेड़ी मत रो अपना मैं इनसे बात करता हूँ ठीक है, तो फिर ठीक रामगोपाल ने कहा मैं डट जाता हूँ जाखड़ जी। फिर मैंने पूछा भैया आप कहाँ से हो, बोले यूपी से हैं। मैंने कहा भैया यहाँ किस लिए आए, बोले हम हमारा पेट भरने के लिए है। मैंने कहा आप बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हो, नहीं, फिर यार आप रात को क्यों आए, तो उनका कंपनियों का देखो क्या तरीका है, उन्होंने कहा कि ये लाइन है टाटा की, कौन सी कंपनी की बताई, तो बोले इस लाइन को हम खेजड़ी एक डाली अड़ रही है, तो उन्होंने सोचा अगर एक रात को अपने एक डाली काट देंगे तो कल सारी खेजड़ी को बोट देंगे, तो हमने कहा भैया इस पर प्लास्टिक लगा दो, या ऐसा करो आप राज्य सरकार से आदेश लेके आओ, फिर हम हमारे आंदोलन वाले साथी चर्चा करेंगे इससे क्या रिजल्ट निकलेगा काटने दें। अब परसों रात की बात है ये 1 तारीख की, कल वहाँ का रेंजर आया मीणा, एक मेरा बिश्नोई भाई भी आ गया दाणिया से, हम बैठे थे तो उन्होंने कहा
उस कंपनी का आदमी गया, तो मैंने कहा यार वो प्लास्टिक लगा दो उसमें, तो बोले वो बड़ी लाइन है प्लास्टिक नहीं लग सकती, नहीं लग सकती तो मैं रेंजर को कहा तो आदेश देना, एक कॉपी हमें देना, फिर देखेंगे हम कि कौन सी डाली काटनी है क्या नहीं काटनी है। तो मैं जो भी मेरा सुन रहा है कोई सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ाना है तो नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए, प्रकृति और मानव, प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे विचार से हरियाणा से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और लास्ट रामगढ़ तक कितनी आरडी हो गई जी, मैं तो वो काफ़ी किलोमीटर है, 1185 आरडी, हाँ 1185 आरडी है, तो एक आरडी 3 आरडी का 1 किलोमीटर होता है, तो लगभग ये देखो कि ये 400 किलोमीटर हो गई, ये तो इसकी लंबाई होगी और फिर इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है, तो उसके तो छत हो जाएगी बढ़िया लगा के और वहाँ प्लेटें लगा लें और दोनों तरफें नहर के गाड़ियाँ जाने की जगह है ही, और नहर की बढ़िया सफाई करके और उसमें बोर्ड चलाएं ताकि ऊपर तो छाया रहेगी, बिजली बनेगी और नीचे जो इसमें लगे हुए हैं हमारे नौजवान साथी वो रोजगार मिलेगा। सड़क परिवहन अभी ये साहब एक बहुत जल परिवहन बन, हाँ जल परिवहन बन जाएगा सीधा, और हमारे यहाँ बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। अब बीजेपी यहाँ बीजेपी की सरकार है, कहते हैं दोनों जगह सरकार, यहाँ भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, ये कितना दिमाग खराब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, आपने राजस्थानी में कुआवत है, पेट आड़े की आस करें गोदालन मार रहे हैं, देखो पेड़ एक 500 साल में तैयार हो गए तो काट रही है और नया पेड़ लगा रहे हैं। इस सरकार की समझ में कौन आ रही, अब बीजेपी वाला सुन है कि मध्य अवधि चुनाव ही मैं पीपी बजा देंगा चुनाव के मां, बात यह है इसलिए ये आंदोलन पूरे राजस्थान में जाएगा और इन सरकारों के और इनके ये भी है कि ये बिश्नोई समाज का कोई अकेले का आंदोलन नहीं है, बिश्नोइयों को शुद्ध हवा नहीं चाहिए, हर 36 कौम को हवा के बगैर 1 मिनट आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मेरी गारंटी है कलेक्टर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी, खाना खाए बगैर 5 दिन रह सकती है, 15 दिन भी रह सकती है, पानी पिए बगैर 5 दिन जी सकती है, हवा सबसे बड़ी जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ जो धरने पे लोग हैं मानववादी प्रकृतिवादी विचार के प्राणवादी विचार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार योजना ऐसी बनाए हर इंसान को निम्न स्तर तक शुद्ध हवा मिले, शुद्ध खाना मिले, शुद्ध पानी मिले, पैसों को खा के आदमी जीवित नहीं रह सकता। हमारे कुछ नौजवान वहाँ लगे हुए हैं वो भोले डाले हैं, हमारा वीडियो देख लें रात को, फिर मैं कह रहा था आपको उनको समझाया तो मैंने कहा खेजड़ी काटना बंद करो, तो उन साथियों ने भी कंपनी का नौकर थे उन्होंने भी लगाया खेजड़ी काटना बंद करो प्रेम से, ये है हम ये चाहते हैं, हम लड़ेंगे जीतेंगे, हमारी सरकार से मांग है हम टकराएंगे हमारा जैसा हो जाए सरकार, बस हम जैसा सोच रहे हैं वैसा सोचे, ये तमिलनाडु की होगी कोई कलेक्टर यहाँ की होती तो ऐसा बकवास करती नहीं, कोई मालिक है नहीं हमारी, कलेक्टर नौकर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, जैसे की बात करा तो जी का पर्यावरण प्रेमी है बहुत ही बढ़िया, एक तो सुझाव दियो और आप जी की बात ही बात भी आप सब लोग सामने रखी, आज जी की बात बताई भी बात ने सुनने बाद में आप लोग कहीं कुछ विचार विचार थे कमेंटर माध्यम से जरूर जरूर बताओ, साथ ही वीडियो ने शेयर भी कर दिया, धन्यवाद, राम राम।